हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर वॉइस में कुछ इंटरप्शन हुई थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करा रहा था एक्चुअली में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा था। और एक्चुअली में क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कि इट इज़ ए प्रेशर दैट डेवलप बाई द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। मीन्स वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है, दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसकी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसके बाद में ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल का सीधा मीनिंग ये है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इज नॉन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एंड एक्चुअली दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई द ग्रीक वर्ड दैट इज साई एस। तो साई एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नॉन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर? लेकिन इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है ना, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो सभी सॉल्यूशंस का जो वाटर पोटेंशियल है वो ऑलवेज नेगेटिव में होता है। क्लियर? तो किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव होता चला जाता है, मोर एंड मोर नेगेटिव होता चला जाता है। और वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है, कि प्लांट में एब्जॉर्प्शन को हम वाटर एब्जॉर्प्शन को वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट से भी क्या है, क्लैरिफाई करते हैं। इज इट क्लियर? मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये न्यूमेरिकली सेम होते हैं। क्लियर? न्यूमेरिकली सेम होते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव वैल्यू रखता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू रखता है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू रखता है। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बात मैं आपको बता रहा था। फिर मैंने विल्टिंग को आपको समझाने की कोशिश की थी। विल्टिंग एक्चुअली में क्या है कि लॉस ऑफ टर्गर है, किसी भी प्लांट सेल का जो टर्गर है वो कम हो जाना, ठीक है, ये विल्टिंग है। और ये विल्टिंग की सिचुएशन प्लांट में कब आती है, ठीक है, तो विल्टिंग की जो सिचुएशन है ये दो रीजन से आती है। पहला तो ये है कि मीडियम में वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो या बहुत कम हो और ट्रांसपिरेशन कंटिन्यू हो रहा हो, तब विल्टिंग होता है। और इस विल्टिंग को मैंने क्लासिफाई किया था आपको थ्री कैटेगरी में, इंसिपिएंट विल्टिंग, टेम्पररी विल्टिंग और परमानेंट विल्टिंग। ये थ्री टाइप की विल्टिंग मैंने आपको बताए थे। यहाँ से वॉइस आपकी क्लियर हो गई थी, ठीक है। आज मुझे फिर आपको मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में कंसेप्ट आपको बताना है। जनरली मैंने आपको बताया था कि द फिनोमेना ऑफ अपटेक यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल्स इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद में आपको ये पता है कि प्लांट की बॉडी में 60 से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 60 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और टोटल टोटल 105 डिस्कवर्ड हुए हैं अब तक। लेकिन 60 से ज़्यादा प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो 17 एलिमेंट हैं वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल इनको बोला जाता है। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल हम कब बोलेंगे, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल हम बोलते हैं कब बोलते हैं वो आप देखिए। तो एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट इज सेड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट्स इफ इट हैज स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल रोल एंड विदाउट विच प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। क्लियर? उस एलिमेंट को एसेंशियल बोला जाएगा, ठीक है, उस एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, एसेंशियल बोला जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट की एसेंशियलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया था,
ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट इसेंशियल हो। तो इसके लिए 3 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के भी अंदर। फर्स्ट पॉइंट आप ये देखिए कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब उस एलिमेंट को हम एसेंशियल बोलेंगे जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो प्लांट ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब इस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये मैंने पहला क्राइटेरिया आप लोगों को क्या है डिस्कस किया था। और दूसरा मैंने पॉइंट आपको डिस्कस किया था कि द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसिएबल बाई एनोदर एलिमेंट। मीन्स वो एलिमेंट इतना स्पेसिफिक हो कि उसकी जरूरत को वही पूरा कर सकता हो और दूसरा एलिमेंट उसकी जरूरत को पूरा ना कर पाए। ठीक है, मीन्स वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस ना हो, तो ये सेकंड क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, और थर्ड यदि मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो थर्ड क्राइटेरिया ये है कि द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक है, सीधा सीधा इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मैं बायो आपको पढ़ाता हूँ तो सीधा बायो ही पढ़ाता हूँ, ना कि और कोई सब्जेक्ट। इज इट क्लियर। वहां पे मैंने एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये आप इसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया देख सकते हैं। क्लियर, इसके बाद में फिर इनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर फिर मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, एक मैक्रो एलिमेंट और एक माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, फिर मैंने इसेंशियल एलिमेंट्स को उसकी क्वानिटेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक मैक्रो एलिमेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट और सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो एलिमेंट। क्लियर, या फिर इनको ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या और बोल सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट इनको बोला जाता है। और मैक्रो एलिमेंट के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि ऐसे एलिमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को ज़्यादा होती है, मींस कितनी ज़्यादा होती है, वो ग्रेटर देन 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। क्लियर, और माइक्रो एलिमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, वो लेस देन 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। मींस 1 किलोग्राम ड्राई मैटर में, ड्राई मैटर का मींस क्या है कि प्लांट का वो मैटर जिसमें से हम वाटर को अलग कर लें, सेपरेट आउट कर लें, तो 1 किलोग्राम ड्राई मैटर में कितने अमाउंट में ये एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए? लेस देन 10 मिली मोल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। और फिर मैंने बताया था कि मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल इसेंशियल एलिमेंट्स कितने बताए थे? 70, जिसमें मैक्रो एलिमेंट कितने हैं? 9 इन नंबर। और माइक्रो एलिमेंट कितने डिस्कस किए थे? 8 इन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि जो माइक्रो मैक्रो एलिमेंट हैं वो आप देखिए, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, तो ये 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनको आप याद कैसे रखोगे? तो इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं, इवन ये ट्रिक ज़्यादा आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बनाई है, क्या है कि राजस्थान में एक पार्टी हो रही थी, ठीक है, और उस मैरिज पार्टी में कुछ पीके भाई भी आए थे। ठीक है, तो पीके भाई क्या है कि रात को जब डिनर चल रहा था तो उस टाइम कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। ठीक है,
कोई सरसों का साग मांग रहा था, कोई और कुछ मांग रहा था, मीन्स एक मैरिज पार्टी में ये कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा था मॉर्निंग में कि कल कौन पी के मांगे से, कि आप लोगों में से कल पी के कौन कौन मेरे से मांग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे CAE कल कौन CHON पी के मांगे से। ठीक है, तो ये ट्रिक आप इसकी याद रख सकते हैं। क्लियर, तो कल कौन पी के मांगे से, क्लियर, एडिट क्लियर। इसके बाद में हाँ मैं यहाँ पे बात करूँ, एट जो माइक्रो एलिमेंट हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनको आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, जनरली क्या है स्टूडेंट, आपने थर्ड पीरियड पीरियोडिक टेबल में देखा है तो उसमें आप डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की स्कैंडियम से होती है। ठीक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, ठीक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये सीरीज आपने पढ़ी है, माने स्कैंडियम टू जिंक, माने एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। ठीक है, अब इसमें आपको फर्स्ट फोर एलिमेंट रिप्लेस कर देने, इनको हटा देना है। ठीक है, और इधर कोबाल्ट में भी आपको क्या है, लात मार के इसको भी बाहर निकाल देना है, बाकी जो एलिमेंट यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, मैग्नीज बचा, आयरन बचा, निकिल, कोबाल्ट, जिंक। ठीक है, और इसके साथ साथ थ्री और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मोबाइल, बैटरी, चार्जर। ठीक है, मोबाइल, बैटरी, चार्जर, ये और आपको, ठीक है, मोबाइल को बैटरी से चार्जिंग पे आपको लगा देना है। तो ये सारे एलिमेंट आपके हिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, मतलब आपको पहले फोर एलिमेंट और कोबाल्ट को क्या है, लात मार के बाहर निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो बचते हैं उन बचे हुए एलिमेंट को आप मोबाइल बैटरी से चार्ज कर दो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी एक ट्रिक इसकी बना सकते हैं कि क्या है स्टूडेंट, काफ़ी पहले की बात है कि निखिल एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट था और वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो वो काफ़ी एडिक्ट था फेसबुक के साथ में, मीन्स सोशल मीडिया पे वो काफ़ी एक्टिव रहता था। क्लियर, अब काफ़ी एक्टिव होने के साथ साथ वो काफ़ी हार्ड वर्कर भी था, लेकिन सोशल मीडिया पे भी वो टाइम जरूर देता था। तो मैंने उसको एक बात बोली थी कि बस कल मोबाइल फेंक, निखिल मन क्यों जलाता है। ठीक है, तो मैंने उसको ये बोला था कि यदि तुम्हें अपना टारगेट अचीव करना है तो सोशल मीडिया से दूर आपको रहना होगा। ठीक है, तो आज और आप ये सोशल मीडिया पर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन कल से आपको मोबाइल को फेंक देना है। ठीक है, क्यों यार मेरे मन को आप जला रहे हो। ठीक है, ये आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ये ट्रिक भी आप बना सकते हैं। तो बस कल मोबाइल फेंक, निखिल मन क्यों जलाता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स की जो ट्रिक है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि बस कल मोबाइल फेंक, निखिल मन क्यों जलाता है, मन क्यों जलाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके का भी आप सॉफ्टवेयर अपने माइंड में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो बस है वो बी फॉर बोरॉन से कल क्लोरीन, मोबाइल मॉलिब्डेनम, फेंक Fe आयरन, निखिल ये निकिल एलिमेंट है। ठीक है, Ni मन, मैग्नीज क्यों, कॉपर, जलाता है मींस जिंक। क्लियर, तो ये सभी क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। और स्टूडेंट माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में आपको एक बात ऑलवेज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि बोरॉन को छोड़ करके, ठीक है, बोरॉन को छोड़ करके जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो एलिमेंट्स हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ कोफैक्टर।
ठीक है। तो ये को फैक्टर बनाते हैं, एंजाइम के जो को फैक्टर है ना, उन को फैक्टर में यही माइक्रो एलिमेंट क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। इज इट क्लियर या नॉट? ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। इसको मैं एक बार और आपको बोल रहा हूं कि कल कौन पी के मांगे से। ठीक है, ये तो हो गई मैक्रो एलिमेंट्स की ट्रिक, और माइक्रो एलिमेंट्स की ट्रिक मैंने आपको बताई है। या तो आप पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट से कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि बस कल मोबाइल फेंक, निखिल मन क्यों जलाता है यार, अपना पढ़ने में दिमाग लगा, ऐसे क्यों कर रहा है तू, टाइम वेस्ट करता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, आज और मोबाइल देख ले, कल इसको फेंक करके अच्छे से अपने मन को लगा स्टडी में। क्लियर, ये आपकी ट्रिक समझ आई। इसके बाद में फिर इन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू फोर कैटेगरीज। ठीक है, तो इनके डाइवर्स फंक्शन के बेस पर इन इसेंशियल एलिमेंट्स को, ठीक है, हम आगे फिर फोर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट आपको डिस्कस कर दूँ। एक्चुअली में ये आपने देखा अभी कि कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर, इन सभी एलिमेंट में यदि मैं बात करूँ तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों फ्रेमवर्क एलिमेंट हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्रेमवर्क एलिमेंट हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके कंपोनेंट हैं ये, तो इनको हम फ्रेमवर्क एलिमेंट बोलते हैं। फ्रेमवर्क एलिमेंट इनको बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ले लें हम, तो प्रोटीन और नाइट्रोजिनस बेस बनाएगा ये भाई, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो प्रोटीन्स ये बनाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस भी बनाएंगे, और नाइट्रोजिनस बेसिस है तो न्यूक्लिक एसिड भी बनाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, एंड ओवरऑल यदि मैं आपसे बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोला जाता है। आपकी पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देखिए या फैट को देखिए तो तीनों एलिमेंट का एग्जिस्टेंस उसमें जरूरी है। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए फ्रेमवर्क एलिमेंट है। ठीक है, बिल्कुल लिविंग सिस्टम का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ये सारे एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन्स और नाइट्रोजिनस बेसिस में। और इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। तो ये जनरल आइडिया और आप यहाँ पे थोड़ा सा ले सकते हैं। क्लियर, एक और बात कि इन सभी एलिमेंट में, ठीक है, यदि मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो NPK, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनको ना क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। और क्रिटिकल एलिमेंट उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जिन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सॉइल में ऑलवेज बनी रहती है, समझ गए ना, मतलब सॉइल के अंदर ऑलवेज इनकी डेफिशिएंसी बनी रहती है। इसलिए आप देखते हैं कि क्रॉप फील्ड्स में क्रॉप का यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, NPK का यूज कंटीन्यूअस वे में करते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल एलिमेंट हैं। ठीक है, मतलब सभी टाइप की सॉयल इनसे डेफिशिएंट होती है।
इज इट क्लियर भाई? क्रॉप के भी सीजन है, एक क्रॉप को ग्रो कराया तो वो क्रॉप उस सॉइल से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर गई, नेक्स्ट क्रॉप हम प्रिपेयर करते हैं तो फिर इनका एडिशन जरूरी है ना। तो इसलिए जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हैं क्रॉप फील्ड में, हम कंटिन्यूस वे में हर क्रॉप के बाद ऐड करते चले जाते हैं सॉइल में, क्योंकि जरूरी है क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। इज इट क्लियर? आपके बात समझ में आ रही है? फिर मैंने आपको बताया था अगेन, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट को इनके डाइवर्स फंक्शन के बेस पर चार कैटेगरी में, इनको हम क्या हैं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें हम ये ले सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ, एसेंशियल एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ व्हाट? बायोमोलिक्यूल्स। एसेंशियल एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है ना, एंजाइम्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल है ना सबके कंपोनेंट हैं ये एसेंशियल एलिमेंट। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप कि एसेंशियल एलिमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंपोनेंट है, इसके बाद कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये प्रोटीन्स में नाइट्रोजिनस बेसिस में मिलता है, इसके बाद में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर को, इनको प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसेंशियल एलिमेंट है ये क्या है कि दे आर द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? इसके बाद सेकंड बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट, कि इसेंशियल एलिमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी कैरिंग कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ, आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी कैरिंग, एनर्जी कैरिंग कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, जैसे फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ एटीपी। ठीक है, और एटीपी आप अच्छे से जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। दूसरा है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो आप अच्छे से जानते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यही यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। क्लियर? दैट एग्जिस्ट इन द ऑल टाइप ऑफ द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल की मैं बात करूं तो C55H72O5N4Mg। क्लियर? देख रहे हैं ना आप मैग्नीशियम प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एनर्जी कैरिंग कंपाउंड है। क्लियर? नाइट्रोजन भी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो C55H72O5N4Mg दैट इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है एक्चुअली में ये। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैं थर्ड पॉइंट की बात कर सकता हूँ कि इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स एंजाइम्स। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स, थर्ड पॉइंट की मैं बात कर सकता हूँ, इसेंशियल एलिमेंट्स एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स एंजाइम्स। इसेंशियल एलिमेंट्स एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैग्नीशियम एलिमेंट को लेके लेता हूँ। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेटर है किसका? रोबिस्को का। किसका एक्टिवेटर है? रोबिस्को का एक्टिवेटर है। और रोबिस्को का मीनिंग होता है कि राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इस नेचर की। क्लियर? रोविस्को, तो रोविस्को का एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आयन।
क्लियर। दूसरा जो एंजाइम है उसको भी एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्को। और पेप्को क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, इसका भी एक्टिवेटर क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, तो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के जो मेन एंजाइम है ना, जो CO2 को फिक्स करते हैं, वो ये दो ही तो हैं। इज इट क्लियर? ये रुविस्को C3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है और पेप्को ये C4 साइकिल में इन्वॉल्व होता है। इज इट क्लियर? तो कार्बन फिक्सेशन में ये दोनों एंजाइम रोल प्ले करते हैं, और रुविस्को सो आप जानते हैं कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन्स ऑफ द नेचर। क्लियर। इसके बाद थर्ड एंजाइम की यहाँ पे बात करें, बहुत ही प्यारा एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर भी कौन है? मैग्नीशियम एक्टिवेटर है। और इस एंजाइम के बारे में आप जानते हैं कि इट इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन का जो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका ये एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। और चौथा एक और एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड एज पीपी काइनेज, मीन्स फॉस्फोइनॉल पाइरवेट काइनेज। इसका भी एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम इसका एक्टिवेटर है, एंड इट इज द लास्ट एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये लास्ट एंजाइम है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। और ग्लाइकोलाइसिस आप समझते हैं कि इसके अंदर वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के बिल्डअप होते हैं। क्लियर। ये आगे मैं रेस्पिरेशन में आपको डिस्कस कराऊंगा, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इन चार एंजाइम का एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम आयन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब मैं बात करूं जिंक की। तो जिंक भी एक्टिवेटर है, ठीक है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक्टिवेटर है। क्लियर। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप अच्छे से जानते हैं क्या है? ये फास्टेस्ट एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, क्या है? ये फास्टेस्ट एंजाइम है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, जिंक का ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल। ठीक है, जिंक ऑल्सो द एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहोलिक डिहाइड्रोजिनेज। इज द एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है ये। और दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका एक्टिवेटर कौन है? जिंक इसका एक्टिवेटर है। फास्टेस्ट एंजाइम है और ये आरबीसी के अंदर भी मिलता है। ठीक है, जो CO2 को ब्रेकअप कराता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है ये CO2 को। क्लियर। इसके बाद में थर्ड आप यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, मॉलिब्डेनम को आप ले सकते हैं। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम आप जानते हैं कि ये इसकी लीस्ट क्वांटिटी में जरूरत होती है, लेकिन ये एक्टिवेटर है किसका? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। किसका एक्टिवेटर है? ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। और नाइट्रोजिनेज आपको पता है कि ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। क्लियर। दूसरा दूसरा ये कंपोनेंट है मॉलिब्डेनम, ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। क्लियर। नाइट्रेट रिडक्टेज का भी कंपोनेंट है मॉलिब्डेनम। नाइट्रेट रिडक्टेज का भी कंपोनेंट है मॉलिब्डेनम। और इसके बाद में फोर्थ आप एक निकिल के बारे में भी समझ सकते हैं कि निकिल जो एलिमेंट है, इट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ एंजाइम यूरिएज। ठीक है, यूरिएज का एक्टिवेटर है ये निकिल। और यूरिएज आपको जानते हैं कि ये क्या करता है? इट स्प्लिट यूरिया इन प्लांट बॉडी। यूरिएज क्या करता है कि टू स्प्लिट यूरिया इन
प्लांट बॉडी, ठीक है, यूरिया को स्प्लिट करेगा तो अमोनिया बनेगा, क्लियर। तो ये आप इंपॉर्टेंट जो सेंसियल एलिमेंट हैं, दे आर द एक्टिवेटर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स दैट रेगुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, क्लियर। और फोर्थ फोर्थ इसका पॉइंट आप ले सकते हैं, फोर्थ जो टाइप आप ले सकते हैं कि सम इसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। कुछ जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, ठीक है, सम इसेंशियल एलिमेंट अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या है, चेंज कर देते हैं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोले तो सॉल्यूट पोटेंशियल इसी को ही बोला जाता है, साई एस इसी को बोला जाता है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब जब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये एंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस में भी हेल्प करेगा। मीन्स आप जानते हैं कि जो पोटेशियम आयन है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज करते हैं ये इसेंशियल एलिमेंट, जिसकी वजह से पर्टिकुलर थिंग्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट की बॉडी में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसेंशियल एलिमेंट्स की वजह से हो रहा है, तभी ये बोला जा रहा है कि इसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स, क्लियर। तो स्टूडेंट, इसके बारे में नेक्स्ट मुझे आपको डिस्कस करना है कि डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट आपने डिस्कस किए हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है, कि ये जो मिनरल्स हैं किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप स्टूडेंट मेरे साथ बने रहें, बस ये है कि कई बार डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा हो जाता है, कल मैं वीडियो को चेक नहीं कर पाया था, इसकी वजह से यदि इसमें कोई दिक्कत होती तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, आप लगे रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, ठीक है, और कंटिन्यूटी आप अपनी मेंटेन करते रहें, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तो आपको दिन रात एक करना है, अच्छे से पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, मैं यही चाहता हूँ। और मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा टाइम से आ जाए, लेकिन क्या है स्टूडेंट कि मेरे पास एक ही रूम है और उस रूम में ही मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं, तीन बच्चे हैं, ठीक है, उनको इधर उधर एडजस्ट करता हूँ, और कई बार ये है कि उनको बैठा लेता हूँ, ठीक है। तो जो थोड़ा सा आप डिस्टरबेंस कई बार देखते हैं तो ये इसकी वजह से हो जाता है, लेकिन कोई नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन। और मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप उनको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, आप शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।